हेलो दोस्तों, एएस का स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जब भी हम घर बनाने जाते हैं तो एक सवाल हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, वो ये कि प्लेंथ बीम किसको कहते हैं, बीपीसी किसको कहते हैं, टाई बीम किसको कहते हैं और फ्लोर बीम किसको कहते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कॉन्ट्रेक्टर आता है तो एग्रीमेंट में ये सब चीजें लिखा जाता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये चीज क्या होता है और इस चीज के बारे में हम क्या समझे। तो आज उसी को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आज पहले हम समझेंगे कि वीडियो में भी देखेंगे ऑन साइट और उसके बाद हम आपको ड्रॉ करके भी समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो चीजें जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनके पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम साइट पे और उसके बाद पहले वीडियो देखते हैं, फिर ड्रॉ करके भी हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, चलते हैं बोर्ड की तरफ। वीडियो तो आपने देख लिया, अब बोर्ड की तरफ भी चलते हैं और ड्रॉ करके ऑलरेडी हमने थोड़ा सा करके रखा है ताकि हमारा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बन पाए, कम से कम टाइम में हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने ड्रॉ करके रखा है आपको देखने को मिलता होगा, सिर्फ लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है, तो ये कन्फ्यूजन आपको पैदा करेगा कि इसमें एक्चुअल में है क्या। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, जब हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, फुटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो पहला हम लोग बीम देते हैं उसको प्लेंथ बीम बोलते हैं। तो ये देखिए प्लेंथ बीम, इसको प्लेंथ बीम बोलते हैं। तो प्लेंथ बीम जो ग्राउंड लेवल का होता है उसको ही प्लेंथ बीम बोलते हैं। ये आपको प्लेंथ बीम देखने को मिलेगा, ये प्लेंथ बीम, ये फाउंडेशन से जो पहला काम होता है, जो पहला बीम बनता है उसको प्लेंथ बीम बोलते हैं, जो जमीन के लेवल का होता है। उसका काम क्या होता है, और जो ये आप देखेंगे, ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब जो प्लेंथ बीम है उससे नीचे बनेगा उसको हम लोग सबस्ट्रक्चर बोलते हैं, सबस्ट्रक्चर, और इसको सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर वाले को सब, जो बीम से ऊपर होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्लेंथ बीम का काम क्या होता है, तो प्लेंथ बीम इसलिए देते हैं कि जो भी ब्रिक्स वर्क होगा, ईंटा का जो जुड़ाई होगा, ईंटा का जो लोड होगा, वो डायरेक्टली प्लेंथ बीम के ऊपर आएगा और वो ट्रांसफर करेगा कॉलम के जरिए फाउंडेशन के ऊपर। तो ये मजबूती के लिए भी होता है, एक तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, जो दो कॉलम होते हैं उसको ज्वाइंट सपोर्ट के लिए रखते हैं ताकि उसमें क्रेक वगैरह नहीं है। अब उसके उसके ऊपर क्या होता है, हम लोग उसके ऊपर सपोज मान लीजिए कि आपके घर के बाजू में रोड बना है, तो उसके हम लोग रोड से 3 फीट 4 फीट ऊपर घर बनाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, ईंटा जोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए हम ईंटा जोड़ रहे हैं, ये सब ईंटा है, ये ईंटा, तो ईंटा कितना हम लोग जितना फीट देना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग ईंटा जोड़ेंगे और फिर हम लोग उसके बाद बीपीसी करेंगे। तो ये आपका हो गया रोड लेवल से जो आप स्टैंडर्ड साइज देना चाहते हैं वो। तो समझ लीजिए पहला बीम, उसके ऊपर आपका ईंटा का जोड़ा है, उसके बाद जो हम देंगे वो डीपीसी होगा। तो ये मान लीजिए आपका डीपीसी, ये है डीपीसी, पहला प्लेंथ बीम, दूसरा ब्रिक वर्क, तीसरा डीपीसी। तो डीपीसी, डीपीसी होता क्या है, सवाल ये है, तो डीपीसी क्यों देते हैं, तो उसका एक ही चीज है, डैम प्रूफ
कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप बारिश के टाइम में देखते होंगे तो बहुत ऐसा घर होता है जिसमें उसका दीवार में गीला गीला दिखने को मिलता है और सीपेज वगैरह दिखने को मिलता है। सपोज मान लीजिए कि पेंट हुआ है तो वो पेंट निकलने लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डीपीसी देते हैं ताकि वो नुकसान होने से बचे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग वापस से ईटा का जुराई करते हैं, ईटा का जुराई करते हैं। वो ईटा का जुराई कितना देंगे हम लोग, खिड़की के हाइट का, खिड़की के हाइट तक देंगे। जो भी खिड़की का हाइट रहेगा स्टैंडर्ड साइज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाके उसको दे देंगे। अब उसका हाइट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईटा का पहले ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जब तक आपको ड्रॉ करके हम पूरा क्लियर नहीं करेंगे वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है पहले ड्रॉ मैं कर दूं ताकि आपके जो समझने हैं वो समझ सकेंगे, आसानी के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया, प्लेंट बीम क्या होता है, डीपीसी क्या होता है, प्लेंट बीम क्या काम करता है, डीपीसी क्या काम करता है, वो चीज तो आपका क्लियर हो गया। आप दोस्तों हम ये समझेंगे कि ब्रिक वर्क का ऊपर जो हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख लिया पहला फ्लोर बीम, प्लेंट बीम सॉरी। उसके बाद हम लोग दीवार की जुड़ाई करते हैं जो हमको साइज चाहिए वो। उसके बाद फिर हम लोग डीपीसी करते हैं, डीपीसी उसके बाद फिर दीवार। उसके बाद हम लोग यहां जो करते हैं वापस से जो खिड़की के लेवल का होता है, खिड़की के ऊपर जो देते हैं वो कहलाता है टाई बीम। टाई बीम ये जो है टाई बीम, ये टाई बीम लेवल, लेवल लिंटल 7 फीट, लेवल लिंटल 7 फीट, ठीक है 7 फीट पे ये देते हैं। और ये भी क्यों देते हैं उसके कारण होता है मजबूती के लिए, कि ताकि दो कॉलम्स वगैरह हो उसके लिए क्रैक्स वगैरह हो, उसमें क्रैक्स नहीं आए, ज्वाइन वगैरह पे जहां पे हो वो क्रैक्स नहीं आए, तो उसके लिए भी हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं। और उसके ऊपर जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क उसके लिंटर के ऊपर भी हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर हम लोग लिंटर के ऊपर टाई बीम के ऊपर करते हैं उसको, जो हाइट मतलब खिड़की के जो ऊपर 3 या 4 फीट करते हैं वो, उसको हम लोग फिर वापस जोड़ते हैं। और उसके ऊपर जो छत पे, छत के लेवल पे हम लोग जाके फ्लोर बीम करेंगे, फ्लोर बीम करेंगे। अब दोस्तों ये समझ में आ गया टाई बीम और फ्लोर बीम, फ्लोर बीम ठीक है। बीम ठीक है, फ्लोर बीम आगे डीपीसी। अब दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, ये जो डीपीसी होगा उसकी थिकनेस कितनी रहेगी। तो मान लीजिए 2 इंच 2 3 इंच इतनी रहती है। अब फ्लोर बीम मान लीजिए कि 1 फीट का, अगर वो फ्लोर बीम, अगर 1 फीट का अगर फ्लोर बीम है, 1 फीट का फ्लोर बीम है तो उसमें स्लैब की कितनी ढलाई होगी। मान लीजिए ये, अभी मान लीजिए ये है तो ये कॉलम का साइज है, मान लीजिए ये कॉलम का साइज है 1 फीट 12 इंच 12 इंच, तो इसमें जो स्लैब की ढलाई, स्लैब का जो साइज होगा, स्लैब का वो होगा 5 इंच, मतलब 5 इंच स्लैब रहेंगे और उसमें से जो 12 इंच में से जो 5 इंच माइनस करेंगे और जो भी बचेगा वो होगा फ्लोर बीम। तो आप समझ में आ गया होगा नीचे जो मतलब बीम जो होता है प्लेट बीम के नीचे उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बीम के जो ऊपर आता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पहला आपको बीम फर्स्ट वाला प्लेट बीम वो किस लिए देते हैं आपको पूरा क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और थैंक यू।